यस, ये विकेट पे बहुत अच्छा हम लोग ने रिस्ट्रिक्ट किया 175, क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा है कंपैरेटिवली और विकेट इतना बुरा नहीं था. सो आई गेस 175 हमको लगा कि टोटल चेजेबल है ये ग्राउंड पे, क्योंकि मैं लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ खेले थे 196 था और हम लोग ने कुछ 14-15 ओवर में चेज किए थे लास्ट ईयर. सो 175 उससे तो बेटर ही था, और जैसा हम लोग का बैटिंग ऑर्डर है वैसे ये चेज मुझे लगा हम लोग चेज कर पाते. मतलब पिच इतना बुरा नहीं था, पिच अच्छा ही था, बैटिंग विकेट ही था, थोड़ा स्लोअर साइड था, मतलब इतना भी फ्लैट नहीं था, थोड़ा स्लोअर साइड था, बट ग्राउंड इतना छोटा है कि वो कंपनसेट कर रहा था. सो आई गेस अच्छा है, फाइनली हम लोग मैच जीते और अभी हम लोग के लिए सब मैच डू और डाई, और आज के मैच से स्टार्ट हुआ और अच्छा है हम लोग जीते और आगे यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करना चाहेंगे. आई गेस ये ग्राउंड पे मेन चीज़ वही है, मैं वापस जैसे पहले बोला कि कोई भी जो भी रन है चेजेबल है यहाँ पे, क्योंकि अगेन जैसा ये ग्राउंड है हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो ऐसा हमको तो बाहर डगआउट से कभी ऐसा नहीं लगा या जब मैं खेलने गया कि टारगेट बहुत बाहर है, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, हमेशा वो बिलीफ था, बाहर भी बैठा था और जब खेल रहा था कि ये टारगेट चेजेबल है. आई गेस फाइनली आपको रिजल्ट से पता चल ही गया, रोहित शर्मा वो पीछे क्रूशल जो उन्होंने 2 सिक्स लगाए एक ओवर में और 3 जो चौके मारे वही मैच टर्निंग चीज हुआ. तो अगर आप पॉजिटिव साइड से देखो तो रोहित शर्मा के वजह से ही हम जीते आप बोल सकते हो. आई गेस ऑब्वियसली उनका बल्क ऑफ द रन जो किंग्स इलेवन के टीम ने किए वो स्पेशली टॉप 2 ने किए. राहुल बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है पूरा IPL सीजन, और गेल भी यूनिवर्स बॉस बोलते हैं उनको, तो वो भी बहुत अच्छे टच में. आई गेस हम लोग ने बहुत अच्छा बॉलिंग डाला पावर प्ले में, जिस तरीके से हम लोग ने स्लोअर बॉल यूज़ किए और चेंज ऑफ पेस यूज़ किए बुमराह और मिच मैक्लानेगन ने. सो बहुत क्रूशल टाइम पे सही बॉल डाले और उसी के वजह से आई गेस थोड़ा हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर पाए उनको.